हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ कैसे होता है। ओके, उसके लिए पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, सबसे पहले क्लास बनेंगे, मेन क्लास। इसमें लिखेंगे नेम मेथड। ओके, हम उसके बाद एक और एक क्लास बनेंगे थ्रेड, थ्रेड वन। ये थ्रेड वन क्लास एक्सटेंड करेगा थ्रेड। ओके, इसमें थ्रेड के रन मेथड लिखेंगे। ओके, और एक क्लास बनाएंगे लूप। इसमें एक लूप चलेगा 10 तक। और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, और यहाँ पे थ्रेड में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। लूप लूप क्लास के स्टार्ट लूप को मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे थ्रेड थ्रेड क्लास से उसकी थ्रेड क्लास को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक थ्रेड बनाएंगे थ्रेड टू करके। दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली लूप के स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, ये रिक्वेस्ट कौन से थ्रेड से कॉल हो रही है आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक नाम भेजेंगे थ्रेड वन। ओके, यहाँ पे थ्रेड टू। ओके, इस कंस्ट्रक्टर में नाम डालेंगे।
और थ्रेड नेम। यहाँ पे डालेंगे पास करेंगे यहाँ पे थ्रेड ने ओके यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि ये कौन सा थ्रेड का लूप है ओके यहाँ को यहाँ पे थ्रेड को थोड़े टाइम के लिए स्किप करेंगे तो पता चलेगा हमें। अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं मेन क्लास। अभी यहाँ पे देखेंगे थ्रेड नेम आए यहाँ पे प्रिंट करते हुए गलती हो गई, यहाँ पे थ्रेड नेम चाहिए था। ये रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट पहले थ्रेड टू को एग्जीक्यूट कर रहा, फिर थ्रेड वन को, फिर थ्रेड टू को, थ्रेड वन को, फिर थ्रेड टू को। तो ये मतलब कोई भी थ्रेड लूप को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, लेकिन जब हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा दिया लूप को ओके और ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले थ्रेड वन की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, फिर थ्रेड टू की, मतलब सिंक आप देख सकते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड का ये एक बेनिफिट है। जब तक फर्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रोसेस पूरी नहीं होती तब तक दूसरा ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस देता नहीं है, ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज है ओके। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।